बस कुछ नहीं, चल रहा है घर की सफाइयां, खाना बनाना। आपकी क्या शायरी मिस सीखे? कर रहे सॉरी, हैं हम लोग, आपकी शायरी मिस कर रहे हैं। शायरी जल्दी, हाँ होपफुली जल्दी कुछ अपलोड करूंगा। क्या सीख लिया खाना बनाने में शहीद आपने? मैं तो पिछले 14-15 साल से खाना बना रहा हूँ, कभी कभी बनाता रहता था, लेकिन हाँ अब प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा हो गई है तो सब कुछ ही बनाता हूँ। तो कौन सी डिश है जो आपने सबसे आपकी सबसे बेस्ट बनती है शहीद? सब कुछ ही, मतलब कल मशरूम्स बनाए थे, परसों मैंने काबुली चना बनाया था जो बहुत अच्छा बना। कैन यू प्लीज शेयर सम मेमोरीज फ्रॉम द शूटिंग डेज ऑफ महाभारत? इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ बॉयज हॉस्टल एंड वी वुड स्पेंड ऑल द लाइक थ्रू आउट द डे वी विल बी इन कैरेक्टर, वी वुड कॉल ईच अदर बाय कैरेक्टर नेम एंड इट वाज वी मेड सम अमेजिंग फ्रेंड्स देयर। वी I think we only make such friends in college or hostel life. That's the kind of friends we. Yesterday only me, Praneet, Duryodhan, and see, I still call him Duryodhan. Arpit, and Jyeshth Bhrata Yudhishthir. We were talking on the video call, and we were talking about all the memories, the beautiful memories. Whenever we sit together, we only talk about Mahabharat. Like anyone I know from Mahabharat, if I meet him or if I happen to speak to him, we only talk about Mahabharat. बचपन में देखी थी, बट इंटेंशनली हमने महाभारत शूट शुरू होने से पहले अवॉइड किया था देखना, ताकि हम उनको कॉपी ना करने लग जाए। दैट वाज अ लिटिल, मतलब इंटेंशनल एफर्ट था, सो दैट वी डोंट स्टार्ट टॉकिंग लाइक देम, बिकॉज हमारी महाभारत में जो हमारे मेकर्स थे, जो सिद्धार्थ सर का आइडिया था, वो बहुत लाइक जैसे बात करें वो टिपिकली माइथोलॉजिकल शो में बात करें ऐसा ना लगे, बहुत नॉर्मल लगे। भाई अगर पांच पांडव बात कर रहे तो भाइयों की तरह बात करें, जैसे पांच भाई आपस में बात करेंगे, और हमने शायद इसीलिए लोग रिलेट कर पाए, तब की स्टोरी में भी अपने आप को ढूंढ पाए। मेरे को आवाज लगाते तो मोमेंट मैं आगे बढ़ता हूँ, और आई डिड नॉट रियलाइज ये जो रेलिंग है ये ठीक है, तो मैं रेलिंग से टकराया, वो रेलिंग गेव अवे एंड आई फेल डाउन लाइक 8 फीट। हमने क्रेन थी और इट वाज लाइक हेड ऑन, मेरे हाथ भी बंधे होते थे क्योंकि वो इतना प्रेस होता था, बट थैंक्स टू गॉड कुछ हुआ नहीं, मेरे नाक को लग गया, पर दैट द मोमेंट। और वहां पर तो उस वक्त तो शॉक था, बट आफ्टर दैट जब मैं था, तो उसके बाद हमने वो वीडियो देखा क्योंकि वो रिकॉर्ड हुआ और दुर्योधन ने उसे रिकॉर्ड किया, इट वाज सो फनी। जब मैं कुछ रंग शुरू किया था तो सुप्रिया माँ हैज बीन अ बिग फैन ऑफ महाभारत, लाइक शी हैड लव्ड महाभारत लाइक एनीथिंग, टू द एक्सटेंट शी टोल्ड मी दैट यू नो शी लिटरली क्राइड द डे महाभारत गॉट ओवर, बिकॉज शी वाज फीलिंग बैड दैट व्हाट विल शी वॉच नाउ। इट वाज सच अ बिग कॉम्प्लीमेंट कमिंग फ्रॉम सच अ बिग एक्टर फ्रॉम द इंडस्ट्री, हु हैज बीन देयर इन द इंडस्ट्री फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, and I felt humbled. I've never felt so amazing about doing you know about my work. महाभारत ही मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस ही अपने आप में बहुत अमेजिंग है, as you as you know you can see कि 6 साल हो गए, it's been 6 years, और शो रीटेलीकास्ट हुआ, इट्स नॉट लाइक दैट इट्स पहली बार टेलीकास्ट हो रहा है, और जो आपको रिस्पांस मिल रहा है जिस हिसाब से, आई मीन इट्स समथिंग जो मुझे लगता है हम जितने भी नॉट जस्ट आर एक्टर टीम बट आई फील क्रिएटिव टीम और प्रोडक्शन और सबके लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हम कितने ही शो कर ले पर हम कभी भूल नहीं पाएंगे। सो शो ही अपने आप में बहुत इट्स अ ब्रांड नाउ, दैट्स व्हाट आई फील एंड आई एम रियली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। सो या हिज लास्ट डे वाज डिफरेंट, लाइक ही गॉट डन लिटिल अर्लियर। जब मारा था हमने मामा को, याद है ना? It was fun यार, और मैं, you know, I was knowing from the all good things come to an end, and Mahabharat was a definite story. Yeah. It had to come to an end. मेरे को एक relief था कि हमने with full quality, with all what we had got, हमने सब कुछ उसमें लगा दिया था, और
बहुत हैपनिंग तरीके से, बहुत इतनी डेडिकेशन से काम किया. सो आई वॉज वेरी रिलैक्स एंड वेरी हैप्पी कि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से शूट हुआ और बहुत अच्छे से खत्म हो रहा है. लास्ट डे टू गो वर्टिकल एंड इट वॉज अ ग्रीमेंट ऑफ मामा शोपनी. आई वॉज वेरी रिलैक्स, ओके दिस इज ओवर. The responsibility is over. Because, you know, when we started Mahabharat, there was this responsibility ki yaar, hum log ye bolte the ki nahi bana paoge, tum nahi kar paoge. Ye itna bada concept hai, tum log to bacche ho. You know, we were very young, all of us. Abhi 6 saal hue, abhi bhi hum log bahut young hai. So, ye log bolte hum nahi kar payenge, Mama Shopni itna bada role hai. To ye nahi kar paunga main, ye age se bada hai. तो वो एक चैलेंज की तरह लिया था. एंड ऑन द लास्ट डे आई वाज वेरी हैप्पी कि ये बहुत अच्छे से हुआ. आई वाज वेरी रिलैक्स्ड एंड आई वाज लाइक थैंकिंग टू गॉड. महाभारत करना और महाभारत 1.5 साल तक करना, क्योंकि मैंने महाभारत ज्वाइन किया था सबसे पहले डे 1 से, और उसके बाद महाभारत को तकरीबन पूरा करने में 1.5 साल मुझे लगा पर्सनली. तो वो पूरा का पूरा ही अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, रहा है. और महाभारत जो है वो जीवन पर्यंत मेरे साथ तो रहेगा, भीष्म भी रहेगा, और मुझे लगता है सब हम सबके साथ में ही रहेगा. आई थिंक एक्साइटिंग ही था बहुत. आई थिंक मुझे खुद समझ नहीं आया था उस टाइम पे कि ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग मिली है मुझे. एंड आई थिंक उनको भी समझ नहीं आया कि ये ऐसा लगा कि अच्छा वो वेरी गुड रोल मिला है एंड एवरीथिंग, बट the blessings of it are constantly following me. So I guess they were very happy. In fact, उन्होंने थोड़ा सा doubt किया था कि उनकी बेटी इतना complex character कैसे कर पाएगी. तो ये doubt शायद उनके मन में जरूर था. Actually, honestly, I didn't get much preparation time. जैसे आरव सर बोल रहे थे कि उन्होंने काफी पहले join किया. Actors बहुत पहले से इस show के साथ associated थे. I just joined a month before the telecast. तो मुझे कुछ समय नहीं मिला. आई वॉज जस्ट थ्रोन इन टू द थ्रोज ऑफ द थिंग्स और मुझे सब कुछ ऑन द जॉब सीखने को मिला. एंड आई थिंक ज्यादा मेहनत प्रिपरेशन, फैंटास्टिक जॉब, थैंक यू. ज्यादा प्रिपरेशन करनी नहीं पड़ी. उसका कारण एक ये भी था क्योंकि द राइटिंग ऑफ द शो वाज फिनोमिनल. मतलब आप बस अगर अपनी स्क्रिप्ट को टू द टी फॉलो कर लें, आई थिंक हाफ योर जॉब इज डन. एंड आई थिंक आई डिड एग्जैक्टली दैट. आई मीन सबके सब, क्योंकि लॉकडाउन हुआ है, महाभारत आ रहा है वापस दोबारा टीवी पर. आई एम श्योर सबको इस बात की खुशी है, मुझे भी बहुत खुशी है. और कई बार जब हम शूट कर रहे होते हैं तो हम अपने खुद के एपिसोड्स नहीं देख पाते, अपनी फैमिली के साथ तो बिल्कुल भी नहीं देख पाते. लेकिन अब इस बार क्योंकि लॉकडाउन है, सब घर पर हैं, तो सब अपनी अपनी फैमिली के साथ देख रहे हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं. और यहाँ पर इतने सालों बाद शूट करने के बाद आप फिर से हम सबका साथ में इंटरव्यू ले रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसका कारण यही है कि ये महाभारत लोगों के दिल से जुड़ी और तभी आप हमारा इंटरव्यू साथ में ले रही हैं. तो आई थिंक वी ऑल आर वेरी हैप्पी अबाउट इट. मेरे ख्याल से हम मिलते रहते हैं कभी ना कभी, कभी किसी से मुलाकात हो जाती है, कभी किसी से मुलाकात हो जाती है. शफक से आई मेट इन महाकाली इन उमरगांव, शहीर से भी मिलना हो जाता है, पूजा से भी मिलना हो जाता है, आरव भाई से मिले हुए काफी टाइम हो गया है. Yes. बीच बीच में किसी ना किसी से मिलना हो जाता है. सौरभ एट मैसेज मी अभी व्हेन महाभारत स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन, सो ही हैड मैसेज मी के ही इज वाचिंग एंड आई एम आल्सो वाचिंग विद माय फैमिली. सो इट्स लाइक द होल कंट्री इज वाचिंग इट अगेन ऑल ओवर अगेन एंड द काइंड ऑफ लव एंड अफेक्शन दैट ऑल ऑफ अस आर गेटिंग इज फेनोमिनल. इट इज अनरियल. और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब कुछ लोग पूछते हैं कि यू आर रीविजिटिंग महाभारत या इट्स नॉस्टैल्जिक, तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि महाभारत ने मुझे एंड आई बिलीव आई वुड लाइक टू से हमें हम सबको छोड़ा ही नहीं है. बिकॉज महाभारत हैज बीन कॉन्स्टेंटली रनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड इन वेरियस कंट्रीज, रशिया, चाइना, इंडोनेशिया, यू नेम इट, और अब से लेके आज तक चल ही रहा है. तो रोजाना ऑन अ डेली बेसिस आई रिसीव यू नो लव एंड अफेक्शन एंड जस्ट फ्रॉम पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. देख नहीं पा रहा हूँ ज्यादा क्योंकि मैं अकेला हूँ, तो घर के सारे काम खुद करने पड़ते हैं. बट इसीलिए बस सफाई, बर्तन, खाना बनाने में पूरा टाइम निकल जाता है. तो थोड़ा सा पहले एक आधा कुछ देख लेता हूँ. ये तो नहीं पता कि कितना आइकॉनिक बना, बट अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही आई थिंक अबाउट अ वीक अगो चिरहरन के सारे सीन्स देखे एट वन गो इन द नाइट. तो वो फीलिंग बहुत अच्छी थी क्योंकि आई थिंक वो नैरेटिव का हाई पॉइंट था
और सबके लिए बहुत स्कोप था परफॉर्मेंस का, बहुत ब्यूटीफुली निकल के आया वो सीन. तो वो मैंने रिविजिट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा. और इनफैक्ट मुझे आई हैव एन एलिफेंट्स मेमोरी, तो मुझे तो छोटी से छोटी चीज याद है. मुझे एक पर्टिकुलर कोई शॉट भी देखती हूँ तो मुझे उसमें भी ध्यान आता है व्हाट वाज गोइंग थ्रू माय माइंड देन. स्पेशली डेली सोप करते हैं टेलीविजन में, समय कम होता है तो रिएक्शन के लिए एक्टर्स नहीं होते हैं. When you cut a close or a reaction, तो क्या होता है कि सिर्फ आपको फर्स्ट एडी या एडी जो है लाइंस बोल देते हैं एंड यू रिएक्ट टू इट. सीन था इतना महत्वपूर्ण था और सीन के लिए मेरा सिर्फ भीष्म क्या है वो बैठा हुआ है और रिएक्ट कर रहा है. भीष्म के जितने भी his pain, his agony, his trauma, everything had to come out in that expression. तो मैंने पूजा से रिक्वेस्ट किया था कि पूजा इस सीन के लिए आप प्लीज मेरे कैमरा के पीछे सामने बैठिए और बैठ के लाइंस पूरी की पूरी आप बोलिए. सो देन ओनली आई विल बी एबल टू रिएक्ट. एंड इट वाज अ डिफिकल्ट सीन फॉर हर एंड वाज अ डिफिकल्ट सीन फॉर मी टू गो थ्रू यू नो द पेन एज बीश. सो या आई गेस द मेमोरी इज स्टिल वेरी वेरी मच विद अस इवन टुडे. जो कृष्णा ज्ञान के सीक्वेंसेस थे उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज भी बहुत रिलेटेबल हैं. उसमें से एक पर्टिकुलर ज्ञान सीक्वेंस है जिसमें कृष्णा स्पीक्स अबाउट कि श्रेष्ठता के ऊपर काम नहीं करना चाहिए, उत्तम बनने के ऊपर काम करना चाहिए. इट्स लाइक यू डोंट हैव टू कम्पीट विद अदर्स टू बिकम बेटर, यू गॉट टू कम्पीट विद योर ओन सेल्फ. सो दैट इज समथिंग विच आई कॉन्स्टेंटली रिमाइंड माई सेल्फ ऑफ. मैं रात को 12 बजे के बाद जब बिल्डिंग में सब सो जाते हैं तब भागता हूँ और फ्री हैंड एक्सरसाइज करने के लिए कभी सीढ़ियों पे इधर उधर बंदर की तरह चीजें कर रहा हूँ अजीब अजीब. तो जैसे ही जिम खुलेगा मैं फटाक से भाग के जाऊंगा, बोलूंगा हाँ अभी इंसानों की तरह वर्कआउट कर सकता हूँ. जितने भी मुझे कमेंट्स आते हैं या जो भी लोग बोलते हैं वो एक एक शब्द मेरे लिए मतलब मुझे सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड जैसे मैंने पहले भी बोला था कि अभी हम 6 साल बाद वापस से महाभारत रीटेलीकास्ट हुआ है एंड इसके पहले भी हुआ है और इसके बाद भी अभी भी इतना इम्पैक्ट है लोगों के ऊपर कैरेक्टर्स का, शोज का. तो आई थिंक वो ओवरऑल ही अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि दो द्रौपदी कैरेक्टर्स गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, बहुत उत्पीड़न हो रहा था उस कैरेक्टर का, पर फिर भी जिस तरीके से हमारा शो लिखा गया है, आई कीप इंसिस्टिंग कि हमारे शो की राइटिंग उसका स्टार थी, तो उसके अंदर देयर वाज नॉट अ सिंगल वीक मोमेंट फॉर माय कैरेक्टर. तो जिस खूबसूरती से उन्होंने द्रौपदी के कैरेक्टर की स्ट्रेंथ निकाली वो मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड आई वाज जस्ट रिमेम्बरिंग दिस थिंग इन द मॉर्निंग, आई विल शेयर विद यू. आरव सर से भी कुछ रिलेटेड है वो और बाकी कास्ट मेंबर्स से भी. एक पॉइंट आता है कि हमारे ऐसा लिखा था हमारे नैरेटिव में कि चीरहरण के बाद चीरहरण तो अनसक्सेसफुल हो जाता है, वो दे कैन नॉट डिस्ट्रोब द्रौपदी. बट ऑन द कॉन्ट्ररी जो बाकी मेंबर्स हैं सभा में जिन्होंने चुपचाप बैठ के ये सब देखा, उनके उपवस्त्र गिरने लग जाते हैं. सो मच सो कि बाद में जाके शफक्स कैरेक्टर कुंती वो ये बात पॉइंट आउट भी करती है कि आप लोग द्रौपदी को डिस्ट्रोब करना चाहते थे, अब आप देखिए आप सब लोग डिस्ट्रोब हो गए. तो उपवस्त्र उड़ के जाते हैं एंड सडनली आरव सर को आइडिया आया एंड आरव सर सेड ये तो इट्स नॉट वर्किंग, हम सब ने उपवस्त्र तो उतार दिए बट हम लोग तो ज्वेलरी पहनते हैं इतनी सारी, वी आर ऑल वेरी कवर्ड विद द ज्वेलरी, तो वो इम्पैक्ट आ ही नहीं रहा. सो ऑन द स्पॉट द मोमेंट ही सेड आई थिंक द ज्वेलरी शुड बी रिमूव्ड एंड द ब्यूटी ऑफ इट वॉज दैट एवरीवन यूनैनिमसली अग्रीड. अब ये बॉयज के लिए थोड़ा सा टैक्सिंग होता है बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव टू वर्क आउट, देयर बेयर बॉडीज आर नाउ एब्सोल्युटली ऑन डिस्प्ले 15 मिनट्स के एग्जाम पे एकदम से सडनली देयर बॉडीज आर एब्सोल्युटली एक्सपोज्ड बट एवरी वन ऑफ देम अग्रीड. थोड़ा सा फनी भी था उसके बाद क्योंकि एवरी वन स्टार्टेड पंपिंग एंड डूइंग पुशअप्स एंड एवरीथिंग, जो भी सब फ्री हैंड एक्सरसाइजेस कर सकते थे क्योंकि सडनली दे वर ऑल देयर. The beauty of that entire sequence was कि सब लोग इतने committed थे, किसी ने भी एक मिनट के लिए ये नहीं कहा कि नहीं नहीं I don't want to do this, ऐसा लिखा नहीं है. Since it was enhancing the narrative, everybody wanted. मुझे ऐसा लगा था कि यदि आप सिर्फ ऊपर का वस्त्र निकाल रहे हैं और आभूषण पहने हुए तो वो आदमी को जब किसी तरह की उसको शर्म देनी है या उसको वस्त्रहीन नग्न करना है तो जब तक उसके आभूषण नहीं निकलेंगे तो वो ही वोंट बी अशेम्ड. सो दैट वाज द होल आइडिया एंड लकीली
Bharat agreed to that and he said, let's do it. So that's how it went. बहुत टाइम लगता था यार, देयर इज नो लिमिट. इंडिविजुअली मेरे कैरेक्टर को दो घंटे तो जाते थे, गेट रेडी, ऑल दैट ज्वेलरी एंड वो सब कुछ पहनना, उसको मेंटेन करना. दिस वाज वन शो व्हिच वाज इक्वली डिफिकल्ट फॉर द बॉयज बिकॉज नॉर्मली बॉयज को कुछ ज्यादा करना नहीं होता है, दे कैन जस्ट वेयर देयर क्लोथ्स एंड जस्ट क्विकली डू देयर मेकअप और व्हाटएवर. बट इसमें दो दो घंटे तो मिनिमम जाते थे यार कैरेक्टर. The girls would come absolutely ready on set, and the boys would finish half the getting ready on set because okay. बाद उनका वो सब jewellery पहनना ये सब होता था. Not true, not true, not true. No, of course, absolutely true. No, but लड़के actually set पे आने के बाद jewellery पहनते थे क्योंकि हमारा discussion होता था. So I am absolutely with Pooja. I deny from my end. No. But I think you were the only one. I think you're the only one जो सेट पे जाकर ज्वेलरी नहीं पहनते थे. अदरवाइज सारे के सारे लड़के सेट पर आकर ही ज्वेलरी पहनते थे. तो लाइन्स होने के बाद जब शॉट रेडी होने वाला होता था ना, तब वो लोग ज्वेलरी पहनना शुरू करते थे और ड्रेस बदल के उन्हें ज्वेलरी पहनना. अगर आपको शकुनी मामा का रोल नहीं होता, सो व्हाट डू यू थिंक अदर कैरेक्टर यू शुड हैव प्लेड? Either it should be Krishna or Arjun or any other character except Shakuni Mama. Actually, मेरे को महाभारत से दो बार फोन भी आया था. तो offered me for I was doing a show called Ghee. उसमें मैं positive character play कर रहा था. मेरे को पहले युधिष्ठिर के लिए इन्होंने फोन किया. फिर मैंने कहा मना कर दिया. मैंने कहा मेरे को positive नहीं करना है. Then they called again. उनको लगा कि ये युधिष्ठिर थोड़ा बड़ा है तो कुल फायदे में से आप एक कर लो. यार ये सब आप फोन कर रहे हो, मुझे नहीं करना है. मैंने कहा था कि मेरे को दो ही रोल इसमें जो है वो बहुत सॉलिड लगते हैं महाभारत में, वो है कृष्ण या विलन जो है वो शकुनी. तो बोला व्हाट डू यू सेड आई वुड लाइक टू प्ले शकुनी. ओके ही सेड कम फॉर इट. आई ऑलवेज वांटेड टू प्ले द विलन दैट टाइम क्योंकि मैं उससे पहले पॉजिटिव कैरेक्टर साइन तो कर लिया, लेकिन साइन करने के बाद मुझे समझ में आया कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है. क्योंकि भीष्म का जो किरदार है वो इट इज नॉट वन डायमेंशनल. पहली चीज तो ये कि भीष्म को हमें दिखाना है कि वो 24-25 साल का युवा देवव्रत लड़का है, और फिर वो 30, 40, 50, 60, 100, 150, 200 उनकी उम्र बढ़ती रहती है. अब उसमें ये दिखाना है कि जो एक युवा है 25 साल का देवव्रत है, तो वो उसमें एक लड़कपन होगा. उसकी बातचीत में, उसकी आवाज में, उसकी चाल में, सब कुछ में एक लड़कपन होगा, एक जो एक युवा में होता है. फिर जैसे जैसे भीष्म की जिम्मेदारी बढ़ती है, जैसे जैसे गंभीरता आती है, ठहराव आता है, तो आवाज में, वाणी में सब कुछ बदलता है. और भीष्म की उम्र बढ़ रही है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये भी था कि भीष्म जो है वो उस समय के सबसे बड़े योद्धा थे. उनके गुरु भगवान श्री परशुराम भी, जिन्होंने पूरी पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियविहीन किया था, वो भी भीष्म को नहीं हरा पाए थे. तो भीष्म की जो बॉडी है, ही शुड लुक लाइक अ वॉरियर, क्योंकि ये महाभारत 20 साल, 30 साल, 40 साल पुरानी नहीं है, इस समय की है. तो एवरीबडी वॉचेज हॉलीवुड फिल्म्स एंड एवरीबडी वॉन्ट्स टू सी अ वॉरियर लुक लाइक अ वॉरियर. तो वो सबसे बड़ा चैलेंज था. और वो चैलेंज ये था कि मुझे वो 6-7 महीने जो मिले उसमें वो बॉडी बनानी थी. और 1.5 साल तक 12 घंटे रोज शूटिंग करने के बाद भी वो बॉडी के लिए 2-3 घंटे वर्कआउट रोज करना ही था. क्योंकि मैं पूरे शो में आप भीष्म लगातार दिखाई देता है, और भीष्म जो है वो ऑलमोस्ट ऊपर सिर्फ एक दुशाला होता है, कुछ भी नहीं है. तो वो भीष्म की उम्र बढ़ रही है, बट जब तक जीवन है तब तक, मृत्युशैया तक पहुंचने तक भीष्म जो है ही स्टिल अ वॉरियर. तो वो शरीर जो है वो अगर आप बारीकी से देखेंगे तो युवा का शरीर अलग दिखेगा आपको, और जैसे जैसे भीष्म की एज होती जा रही है मसल्स हैं लेकिन उनका वजन कम हो रहा है. सो आई वेंट इनटू द माइन्यूटेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड इट टुक मी 6-8 मंथ्स टू गेट. बिकॉज हुआ ये था कि जब हमने शुरुआत की थी तब समय हमारे पास में 2-3 महीने थे, पर कुछ प्रोलॉन्ग हो गया था पहला एपिसोड करने के बाद में. सो वी हैड टाइम, सो दैट हेल्प मी कि भीष्म चलेगा कैसे, डायलॉग कैसे बोलेगा, कौन सी उम्र में कैसे बोलेगा, कैसे फाइट करेगा,
फिर ये था कि वो सबसे बड़ा योद्धा है, द बिगेस्ट वॉरियर इन द वर्ल्ड, बट भीष्म हमेशा विनम्र थे। एक भी सीन में, एक भी शॉट में, एक भी भाव में, कहीं पर भी ये नहीं दिखा सकता हूँ कि भीष्म में गुरूर है। So that was also, so it was multiple layers and you know, a lot of things that I had to keep in mind constantly every day. I would say it's magnanimous, that one word you want. I think it's a complete story, and we were blessed to get an opportunity to work in this story. There is no comparison of Mahabharat anywhere in the world. Jitne sur, jitne rang, जितना कुछ, जितने किरदार, जितनी, जितना कुछ देखने को, जितनी कहानियां महाभारत में है, वो शेक्सपियर भाई साहब लिख के चले गए, और जिनके पीछे पूरी दुनिया दीवानी रहती है कि शेक्सपियर ने ये किया वो किया। जरा महाभारत आइए, देखिए, पढ़िए और समझिए, तो आपको पता चलेगा कि महाभारत से बड़ा कुछ भी नहीं है पूरी दुनिया में। दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू स्टे विद अस फॉर लाइफ। मैंने कुछ 25-26 फिल्में की हैं, तमिल कर रहा हूँ, हिंदी कर रहा हूँ, जो भी करूँ मैं आगे, और करता रहूंगा, लेकिन जिंदगी के अंत तक जितना भी काम करूँ, महाभारत और भीष्म जो है वो हमेशा मेरे साथ रहेगा और याद रहेगा, और इट विल ऑलवेज बी देयर, बिकॉज दी इट हैज बीन लव्ड बाय द होल वर्ल्ड। यू नो, जो शहीर ने बोला था उस समय, मैंने टोका नहीं उसे, कि शहीर ने कहा था कि हमें पता नहीं था कि ऐसा हम कुछ कमाल का कर रहे हैं। वाकई में हमें पता नहीं था, ये पता था कि लेखनी जो है, एज पूजा सेड, कि यू नो नॉर्मली क्या होता है, लेखनी आज के समय में बहुत कमजोर होती है, बट इट वॉज सो ब्यूटिफुली रिटन, ईच एंड एवरी डायलॉग, ईच एंड एवरी सीन, ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ महाभारत। आप देखिए, किसी के भी डायलॉग्स भीष्म के हों, पूजा के लिए हैं, प्रणीत के हैं, बहुत कमाल के हैं। तो जब हम 3-4-5 महीने के बाद करते करते हमें समझ में आ गया था कि हाँ, ये कुछ कमाल का बन रहा है। मुझे तो खैर, जब नरेशन दिया गया था आपको, मैं ये इंसिडेंट बता रहा हूँ कि मुझे जब सिद्धार्थ ने ये एक सीन का नरेशन दिया था जिसमें भीष्म नहीं है, भीष्म गांधार आता है, उस समय कैसे दीपक जो है वो गांधारी के कमरे में सज रहे हैं, और एक सैनिक जो है बाहर कहीं, वो नरेशन मुझे दिया था। तो मैंने तब ये सिद्धार्थ को कहा था कि आप जो भाई साहब मुझे नरेशन दे रहे हैं, और जो मैं विजुअल देख रहा हूँ, यदि इसका 70-60% भी बना दिया तो इट विल क्रिएट हिस्ट्री। और जब हम बनाने लगे, और 2-3 महीने के बाद ही मुझे पता चल गया था कि ये कुछ बहुत कमाल का हो रहा है, बट ये पता नहीं था कि इतना कमाल होगा कि हमारे देश के बाहर, मतलब विदेशी, तो ये अचरज की बात है कि मैं आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे होता हूँ तो वाइट्स कम टू मी, रशियंस और अदर कंट्रीमैन, दे कम टू मी एंड दे रिकॉग्नाइज मी एंड दे से यू नो वी वांट एन ऑटोग्राफ, व्हिच इज अनरियल। हिंदुस्तानी किसी दूसरे देश में, विदेश में पहचाने, समझ में आता है, लेकिन विदेशी, दैट वॉज अनरियल एंड अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस जर्नी ऑफ आवर्स।